हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि अब गर्मी का सीजन चल रहा है, आज मैं आपको ठंडियाई बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है आपका मिल्क है। मिल्क हमें 1.5 लीटर चाहिए, फुल क्रीम मिल्क है। चाहे तो आप फैट फ्री मिल्क में भी बना सकते हैं, लेकिन ठंडियाई जो है फुल क्रीम मिल्क में ही बहुत अच्छी बनती है। 1 इंच सिनेमन मीन्स दालचीनी, फ्यू स्टैंड्स ऑफ सेफ्रॉन केसर, 30 नंबर्स पिस्तास, दिस वन 3 टेबल स्पून पॉपी सीड्स खसखस, फ्यू पेटल्स ऑफ रोज, 8 to 10 ग्रीन इलायचीज, 8 to 10 पेपर सीड्स ब्लैक पेपर सीड्स, 30 नंबर एलमंड्स, 3 टेबल स्पूंस मेलन सीड्स, 5 टेबल स्पूंस शुगर फैट शुगर फ्री शुगर, 10 नंबर्स कैशनट्स। अब हम ठंडियाई बनाने के लिए सबसे पहले मिल्क को बॉयल करेंगे। मिल्क जो है मैंने बॉयल कर लिया है। अब इस बॉयल्ड मिल्क में हम इसको सिम पे करके मिल्क को फ्यू स्टैंड्स ऑफ सेफ्रन डालते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। गैस को सिम पे ही रखना है, लो फ्लेम पे। अब हमने जो सभी 5 टाइप्स के ड्राई फ्रूट्स लिए थे उनको हम पेस्ट बना लेंगे ग्राइंड करके अच्छी तरह ग्राइंडर में। देखिए फ्रेंड्स, अब 5 टाइप के ड्राई फ्रूट्स जो मैंने लिए थे मिक्स कर लिए, उनको मैंने ग्राइंडर में डाल लिए। अब इनको ग्राइंडर में डालने के बाद थोड़ा सा हम इनके अंदर दूध मिक्स करेंगे ताकि इसका फाइन पेस्ट बन जाए। अब मैं इसके अंदर मिल्क मिक्स करने जा रही हूँ थोड़ा सा। देखिए, अब मैंने ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट बना लिया है। अब इसको मैं बॉइल्ड मिल्क में मिक्स करने जा रही हूँ। ऐसे इसके अंदर डाल के, मिल्क के अंदर डाल के इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेना है इसके अंदर। इसको बीच में ऐसे हिलाते जाना है ताकि इसके बीच में लम्स ना पड़े। गैस को सिम पे ही रखना है 4 to 5 मिनट्स तक। इसको अच्छी तरह डिजोल्व होने देना है। फ्रेंड्स, अब मैंने इसके अंदर ग्रीन इलायची, ड्राइड रोज पेटल्स जो हमने ली थी, और दालचीनी का जो 1 इंच का पीस लिया था, और थोड़ी सी 8 to 10 जो मैंने ब्लैक पेपर्स ली थी उनको मैं ग्राइंड करने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ग्राइंड करने के बाद ये मिक्सचर हम इसको मिक्स करने जा रहे हैं मिल्क के अंदर। जो मैंने ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट मिक्स किया था इस मिल्क के अंदर, उसको अब सिम पे रखे हुए 5 to 6 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं ये जो हमने ब्लेंड किया था इसको इसके अंदर मिक्स कर दिया है। देखो कितना अच्छा टेक्सचर आ गई थी 5 टेबल स्पून। अब मैं उसको मिक्स करने जा रही हूँ। दिस इज द लास्ट है, देन अवर ठंडाई इज रेडी। पर क्योंकि इसको हम ठंडा करके ही पीते हैं, इसलिए फ्रिज में इसको रखना पड़ेगा। फ्रिज में रखने के बाद ही ये हमारे पीने लायक बन पाएगी। देखिए दोस्तों, अब हमारी ठंडियाई बनकर पीने के लिए रेडी हो चुकी है। जैसे कि ठंडियाई के नाम से ही पता चलता है, यह हमारे शरीर को ठंडा रखती है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। इसके अंदर जो पॉपी सीड्स होते हैं वो हमारी कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं और साथ में एनर्जी बूस्टर भी है। दोस्तों, ये तो हो गए ठंडियाई के बेनिफिट्स। अब आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
वो अवश्य सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर और लाइक भी अवश्य करें। तब तक मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। बाय।